सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशली टॉपिक पे, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए तो मुझे लगा कि मुझे मेरी ऑडियंस के साथ इन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी नेहा जो है, नेहा अपनी नॉर्मल रूटीन्स पे आ रही है, और वहाँ बात की जाए सचिन की, तो सचिन अब अपने घर को रिनोवेट करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे। मतलब उन्होंने बोला कि मैं सफाई वाले लगवाऊंगा, घर को साफ करवाऊंगा, क्लीन करवाऊंगा, सब कुछ। इससे पहले आपने देखा कि सचिन और मनीषा की लाइफ में लड़ाई हो चुकी थी, वो सब आपने देख ही लिया। सचिन ने बोला कि मनीषा को देखो कहीं ना कहीं टॉलरेट किया जाता था, उसको बदनाम किया जाता था, तो मनीषा को ऐसा लगा तो उसने बोला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ कॉमेंट्स की। आज की वीडियो में जगत दीदी, जगत बीवी और सचिन और टचिन भैया, वाह क्या नाम रखा है, जगत बीवी और टचिन भैया दोनों ने एक ही प्रोडक्ट का लिंक डाला है। इसका मतलब बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, सावधान हो जाए। अभी भी दोनों के चेहरे पे सेम खुशी थी। इस कमेंट को हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, इससे पहले भी क्या हुआ था, अंकुश स्वाति ने, जैसे नेहा ने बोला था कि सुमित का रोस्ट बनाओ अंकुश को, तो अंकुश ने बोला मैं सुमित का रोस्ट नहीं बना सकता। कारण क्या है कि मैं सुमित को अच्छे से नहीं जान सकता, तो जिसे हम नहीं जानते उसका रोस्ट कैसे बनाएंगे, नॉर्मल सी बात है यार। तो इस चीज़ को लेके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी कि तुमने मनीषा को ऐसा बोल दिया, मनीषा को वैसे बोल दिया, क्यों मनीषा को बच्चे है यार, तुमने ऐसा बोल दिया वैसे बोल दिया, ऐसे ब्लेम डाल रहे हो किसी पे भी। तो यहाँ पे ये बात हुई थी। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सचिन और नेहा, देखिए क्योर स्किन के दोनों दोनों ही बंदे क्योर स्किन के अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यू करते हैं, तो आज सेम प्रोडक्ट का रिव्यू सचिन ने डाला है, तो सेम ही नेहा ने डाला है। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें कनेक्ट हो रही है, तो इन सब से जो चीज़ें साफ हो रही है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। सचिन जो है अपने घर को रिनोवेट करवा रहा है, अच्छे से साफ करवा रहा है, वहाँ पे शीशा लगवाएगा, वहाँ पे कुछ करेगा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, देखो अच्छी बात है अपने घर को रिनोवेट करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इन दोनों का रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए, सचिन और मनीषा का। अब दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि अब आगे क्या बात जो दूसरी हम करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। अरे यार फ़ोन भी ऑन नहीं हो रहा। तो हम दूसरी बात यहाँ पे करने वाले थे दूसरे कमेंट की, कोई दूसरा हरा ही नहीं सकता जब तक अपना दूसरे के साथ ना दे। ये बात बिल्कुल सही बोली जिसने भी ये कमेंट किया है, किसी दूसरे की, किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं होती अगर हमारे घर वाले हमारे साथ होते हैं, या कोई भी ऐसा बंदा, देखो आप समझिए इस कमेंट का मतलब जो है। और उसने सचिन के नाम से मिलता जुलता भतीजी का नाम रखा। हाँ यहाँ पे बात करेंगे हम, नेहा की जो भतीजी है उन्होंने उनका नाम रखा है सोनची। मैं आपको ये कमेंट दिखा देती हूँ, ये फर्स्ट कमेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। एक मिनट, सॉरी कॉल आ गया था। तो उसने सचिन के नाम से मिलता जुलता अपनी भतीजी का नाम रखा ताकि हमेशा नेहा के मुख पे सचिन का नाम रहे सोनची। ये देखिए ये जो कमेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, उसने सचिन के नाम से मिलता जुलता अपने भतीजी का नाम रखा है सोनची, सचिन सोनची। बिल्कुल देखो कंपेयर हो रहा है कहीं ना कहीं। और तो बाकी कमेंट्स मनीषा के उस पर ही आ रहे। अब देखते हैं एक और कमेंट की बात करते हैं। अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ो सचिन, पीछे मत घूमो, आज की नारी सब पे भारी। बिल्कुल सही बात है मनीषा, आप तुम सब पे भारी बनने वाला काम करो, ना कि हल्के बनो। और अब रही बात, जैसे नेहा भी अभी, नेहा ताशी के चैनल पे लाइव करी थी, तो मैंने उनका भी अभी लाइव देखा, तो लाइव में जो कमेंट्स आया हुआ था वो मुझे दिखाना ज़रूरी था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं, मुझे नहीं पता, शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। ये मैंने वहाँ पे सामने लगा दिया है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ से, ये वाला स्क्रीन कमेंट है। मतलब यार देखो जो चीज़ें नहीं है ना वो भी सामने आ रही है, क्यों? क्योंकि ये लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं। जब खुल के बात नहीं करता ना कोई बंदा, तो उन पे काफ़ी ज़्यादा लांछन लगाई जाती है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि इन तीनों को खुल के बात करनी चाहिए, स्पेशली नेहा और सचिन को, इनके रिश्ते को लेके। अगर इन्हें आगे बढ़ाना है ना, देखो जैसे सचिन अपने घर को रिनोवेट करवा रहा है, जो भी करवा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में मनीषा से डाइवोर्स ले,
नेहा से शादी करें या फिर दूसरा अरमान मलिक बने। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, ठीक है।